नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अब जिसमें। दोस्तों, BCT में इस समय बहुत ही ज़बरदस्त रेट चल रहा है, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप इसमें क्वाइन को सेल बाय करेंगे, और जो आपके सेविंग अकाउंट में सेलेबल क्वाइन है उसे कैसे एक्सचेंज BCT एक्सचेंज पर ट्रांसफ़र करेंगे। यह सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, और जो BCT से कैसे विड्रॉल कर सकते हैं ये सारी बात आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको कीबो से रिलेटेड हर जानकारी समय पर मिल सके। दोस्तों, आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जो कीवो है, जो KBC क्वाइन यहाँ पर है, यहाँ पर आप देख रहे हैं सेलेबल क्वाइन। जब तक ये है तभी तक आप सेल लगा सकते हैं। जब यह क्वाइन आप सेल करके बाई कर लेंगे और यह क्वाइन यहाँ पर शो करने लगेगी तो फिर आपको सेल पर नहीं लगा पाएंगे। आप यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों कि 5.50 रुपये। दोस्तों, या 2 रुपये से यहाँ पर रेट बहुत ज़बरदस्त फ्लक्चुएट कर रहा है। कभी 2 रुपये तो कभी 3 रुपये तो कभी 6 रुपये। आने आप अधिक में सेल करके कम में क्वाइन को बाई कर सकते हैं, अपनी क्वाइन की संख्या को बढ़ा सकते हैं। आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर यह सेलेबल क्वाइन है, इसे सेल करके यहाँ पर जब अमाउंट आ जाएगा तो आप क्वाइन को बाई कर सकते हैं। आप देखेंगे नीचे इसकी हिस्ट्री, मैंने अभी यहाँ पर 166.5 क्वाइन बाई किया हुआ, और दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं टोटल क्वाइन सोल्ड 220 क्वाइन मैंने सेल किया है। तो दोस्तों, इस तरह से आप यहाँ पर देखेंगे, और आपको जैसे ही माइनेट स्टार्ट होगा तो आपको माइनेट में ट्रांसफ़र करने का ऑप्शन मिल जाएगा। दोस्तों, अब यहाँ पर आप नीचे देख रहे हैं मार्केट, यहाँ पर ट्रेड, यहाँ पर ऑर्डर और यहाँ पर प्रोफाइल। मैं सभी के बारे में आपको बताने वाला हूँ, और आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं, कैसे विड्रॉल ले सकते हैं। दोस्तों, आप मार्केट पर जाके देख सकते हैं कि आज क्या क्या रेट चला है। आप देख रहे हैं यहाँ पर 6 रुपये, 6 रुपये, 6 रुपये, 6.5 रुपये, 4.5 रुपये, 6 रुपये। आने आज दिन भर रेट 6 रुपये, 5.5 रुपये के इर्द गिर्द चला है। और दोस्तों, कैसे आप ट्रेड करेंगे, आपको जिस रेट पर कॉइन बाई करना है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 5.50 रुपये का रेट है, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर प्राइस लिखी रहेगी, और यहाँ पर आप क्वांटिटी लिखकर बाई कर सकते हैं। बट दोस्तों, इस बात का ध्यान देना होगा कि कितनी क्वाइन यहाँ पर लगी हुई है। जैसे यहाँ पर 45 क्वाइन लगी हुई है, तो आप 50 क्वाइन डालेंगे तो नहीं बाई होगा। आपको इसके अंदर ही यहाँ पर क्वांटिटी फिलअप करनी होगी। और दोस्तों, ये तो हो गया बाई का। अब सेल पर चलते हैं। सेल पर दोस्तों, यहाँ पर आपको अपनी सेल प्राइस लिखनी है। आप 6 रुपये में बेचना चाहते हैं, 10 रुपये में बेचना चाहते हैं, आपको यहाँ पर प्राइस लिखना होगा। क्वांटिटी लिखना होगा, आप 100 क्वाइन बेचना चाहते हैं, 500 क्वाइन बेचना चाहते हैं, वह यहाँ पर डालकर और सेल पर क्लिक कर देंगे तो आपकी क्वाइन
ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। और जब भी यह कहाँ दिखेगा आपको, आप यहाँ पर ऑर्डर पर जाएंगे और यहाँ पर यह ओपन ऑर्डर में दिखेगा। जब तक कि बस कंप्लीट ऑर्डर आने, आपने 10 रुपये का रेट, 5 रुपये 50 पैसे का रेट चल रहा है, आपने 6 रुपये 7 रुपये लगा रखा है, तो यहाँ ओपन ऑर्डर में दिखेगा। बट जो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा यहाँ पर दिखेगा। अभी आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 100 कॉइन सेल किया है, 50 कॉइन सेल किया है, यह 4:20 में और यह 4:30 में। आप यहाँ पर देखेंगे मैंने बाई किया हुआ 3 रुपये में, 3 रुपये में, 3 रुपये में, 3 रुपये में, 2 रुपये में, तो इस तरह से मैंने बाई किया हुआ है और यहाँ पर कॉइन को सेल किया हुआ है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता दूँ, अगर आप जो कॉइन सेल किए हैं दोबारा कॉइन नहीं बाई करना चाहते हैं, यह जो अमाउंट है इसे आप विड्रॉल भी कर सकते हैं। कैसे विड्रॉल करना होगा, आपको जाना होगा प्रोफाइल में। अब यहाँ पर मैं प्रोफाइल में आ गया हूँ। यहाँ पर 2 ऑप्शन दिया हुआ है, डिपॉजिट और विड्रॉल और यहाँ पर हिस्ट्री। तो आप डिपॉजिट किए हैं, विड्रॉल किए हैं, वह हिस्ट्री में दिखेगा। तो डिपॉजिट करने के लिए आपको डिपॉजिट पर जाना होगा, विड्रॉल करने के लिए आपको विड्रॉल पर जाना होगा। विड्रॉल के लिए जो आपने अपने सेविंग अकाउंट में KYC कंप्लीट कर रखी होगी, जो बैंक अकाउंट आपने लगाया होगा उसी बैंक अकाउंट में आपका पैसा यहाँ से जब विड्रॉल लगाएंगे तो जाएगा। आपको जो BCT है इसमें KYC करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप अगर अपने सेविंग अकाउंट में KYC कंप्लीट किए हैं तो BCT में KYC ऑटोमेटिक कंप्लीट होती है। आप दोस्तों मैं बता दूं कि आप अपने कीबो की ID से कैसे जो BCT में अपनी कॉइन को ट्रांसफ़र करेंगे। अब मैं अपनी ID पर आ गया हूं और दोस्तों यहां पर जो 3 लाइन है, 3 लाइन पर आपको जाना होगा और नीचे आपको आना होगा कॉइन ट्रांसफ़र, यानी इस लोकल एक्शन में आना होगा और यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा ट्रांसफ़र कॉइन टू BCT, ट्रांसफ़र कॉइन टू BCT। तो यहाँ से आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको दिखने के लिए मिलेगा KYC बिफोर कैन यू ट्रांसफ़र। आपकी KYC कंप्लीट होनी चाहिए तभी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप कॉइन सेलेक्ट करेंगे, कौन सी कॉइन आपको भेजना है, सेलेबल कॉइन भेजनी है या OTT की भेजनी है, और यहाँ पर आप टोटल कॉइन लिखेंगे कितना, क्योंकि यहाँ से जो आप कॉइन ट्रांसफ़र करेंगे वह 12 से डिवाइड होकर जाएगी। और यहाँ पर गेट OTP पर क्लिक करेंगे, जो OTP आएगी इसको यहाँ पर सबमिट डालकर और ऊपर आपको सबमिट पर क्लिक कर देंगे, आपकी कॉइन विद इन सेकेंड BCT में ट्रांसफ़र हो जाएगी और आप BCT में जाके चेक कर सकते हैं। और दोस्तों मैं एक बात आपको बता दूं कि जो BCT एक्सचेंज है वह सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ओपन रहता है, फिर उसके बाद क्लोज रहता है और यह संडे को बंद रहता है। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय की भो, जय भाई नेड़ी।